हेलो एवरीवन वेलकम टू योर क्लास वी आर फ्रॉम फिजिकम एकेडमी अकाडेमी टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर सपोर्ट आवर कम्युनिटी एंड प्लीज शेयर योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स सो दिस इज योर एजुकेटर तन्मय दास ऑल इंडिया रैंक 336 इन जेस्ट एंड क्रैक्ड जैम एंड गेट एग्जाम आल्सो तो बेसिकली आज जो हमारा क्लास है वो मैथ फिजिक्स का सेकेंड लेक्चर है एंड फर्स्ट क्लास में हम पूरा मैट्रिक्स को बेसिक से एडवांस तक समझे हैं तो आज हम करने वाले हैं मैट्रिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व अगर मैथ फिजिक्स में स्ट्रांग होना चाहते हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सो so, फटाफट से पेन पेपर लेके बैठ जाइए और इसको पूरा कंप्लीट देखिए मैथ फिजिक्स का पूरा चैप्टर आपको करवाया जाएगा विध प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड ऑल्सो अगर आप इनमें किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज मैथ फिजिक्स सभी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है और एक मेजर सब्जेक्ट भी है तो आपको ये पूरा मार्च कंप्लीट करना है ठीक है तो ये कुछ शेड्यूल है हमारे फिजिक एकेडमी का जहाँ पर आपको तीन महीनों के अंदर पूरा का पूरा जैम और बाकी सारे एम एंट्रेंस एग्जामों की सिलेबस कम्प्लीट करवाया जाएगा तो जैसे अभी जुलाई महीना चल रहा है और मैकेनिक्स मॉडर्न फिजिक्स एंड मैथमेटिकल फिजिक्स का कोर्स अभी स्टार्ट है और धीरे धीरे अगस्त एंड सितंबर में ये कंटिन्यू होगा तो आखिर में सितंबर के अंत तक आपके पास पूरा आईआईटी जैम एंड एमएससी एंट्रेंस के बाकी सारे सिलेबस की कंप्लीट नोट्स आपके पास हो जाएगा ठीक है तो वी क्विकली स्टार्ट आवर क्लास बट वन थिंग जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन पर जाके टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं कोई भी डाउट हो या क्वेरी हो एग्जाम के रिगार्डिंग या कोई भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज पूछकर जरूर अपना क्वेरी क्लियर कर सकते हैं और इस पर बहुत सारे असाइनमेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा ठीक है तो जल्दी से जल्दी हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए नाउ लेट्स अस बिगिन हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स के बहुत सारे क्वेश्चनों से तो ये रहा हमारा आज का मैट्रिक्स का पहला क्वेश्चन तो इसको हम पहले सॉल्व देख लेते हैं ये क्या रहा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है द इनवर्स मैट्रिक्स वन माइनस वन 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 इज तो इसमें एक टू क्रॉस टू मैट्रिक्स दिया गया है इसका हमको इनवर्स निकाल तो मान लीजिए कि ए ए मैट्रिक्स है इसका एलिमेंट है वन माइनस वन वन एंड टू ठीक है तो एक टू क्रॉस टू मैट्रिक्स है जिसमें टू रोज एंड टू कॉलम्स है तो आपको पहली लेक्चर में बताया गया है कि एक मैट्रिक्स का इनवर्स हम कैसे निकाल सकते हैं अगर मान लीजिए उसका एलिमेंट्स है ए बी एंड डी ठीक है तो हम उसका कुछ ऐसे निकाल सकते हैं इक्वल टू बाय ऑफ़ एंड जो यहाँ पर मैट्रिक्स होगा उसमें क्या होगा ए एंड जो डी है वो अपना पोजिशन इंटरचेंज कर लेंगे ठीक है तो ए के जगह डी लिखेंगे हम और डी के जगह हम ए लिखेंगे ठीक है एंड जो बी एंड सी है वो अपना साइन चेंज कर लेंगे जैसे माइनस बी एंड माइनस सी तो हमारा टू क्रॉस टू मैट्रिक्स का बस निकल जाए ठीक है तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स है इसका हम डिटर्मिनेशन निकाल लेंगे होगा हमारा पहले जो है वो डिटर्मिनेशन डिटर्मिनेशन कैसे निकालते हैं वन इंटू वन माइनस माइनस वन टू और जो मैट्रिक्स होगा यहाँ पर ए एंड डी पोजीशन में दोनों ही वन है तो अगर वो इंटरचेंज भी कर लेंगे तो वन वन ही रहेगा एंड बी पे क्या है माइनस वन तो ओ अगर अपना साइन चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा वन एंड सी है वन तो उसका साइन चेंज होगा तो वो हो जाएगा माइनस वन तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाता है कि वन बाई टू एंड जो मैट्रिक्स है वो है वन वन माइनस वन एंड ठीक है तो हमारा आंसर क्या हुआ आंसर होगा आपको समझ आया तो हम हम आगे हैं तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन तो यहां पर दिया गया है एक थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स ठीक है जो थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स है उसका आईगेन वैल्यू निकालने के हाँ? तो हम क्या जानते हैं अगर एक मैट्रिक्स है हमारा अगर एक मैट्रिक्स है हमारा तो उसका आईगेन वैल्यू निकालने का तीन स्टेप आपको बताया गया था पहले क्लास में जो था पहले तो हम ए माइनस निकाल लेंगे जहाँ पे होगा हमारा आइगेन वैल्यू एंड आई होगा हमारा आइडेंटिटी वेक्टर ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगे इस जो ए माइनस वेक्टर निकला है हमारा सॉरी मैट्रिक्स निकला है हमारा तो उसका हम डिटर्मिनेट निकाल लेंगे ए मॉट आई ठीक है और तीसरा स्टेप क्या है यहाँ से जो डिटर्मिनेशन के बाद जो हमारा इक्वेशन निकला है उसको हम किसके इक्वल करेंगे जीरो के इक्वल को जीरो के इक्वल करेंगे तो, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा आई गेन हमको मिल जाएगा तो, चलिए इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो ए मैट्रिक्स है वो क्या है वन 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 तो पहले हम क्या निकलेंगे ए माइनस लैमडाई तो हमारा होगा वन माइनस लैमडा वन 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 माइनस लैमडा वन 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 माइनस ओके तो सेकेंड स्टेप हमारा क्या है का डिटर्मिनेशन निकालना यस लैम्डा आएगा डिटरमिनेशन निकल जाता है हमको क्या मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो डिटरमिनेशन निकालते हैं हम वन माइनस लैम्डा आए वन माइनस आए का क्योंकि वन माइनस लैम्डा और वन माइनस लैम्डा हमारा मल्टीपल है वन माइनस माइनस लेमडा स्क्वायर एंड माइनस वन एंड माइनस वन यहाँ पर क्या होगा वन माइनस लैमडा माइनस वन फिर वन वन माइनस वन माइनस ठीक है तो इक्वेशन आपको चलाया तो फिर तो हम अगर कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर आपको कुछ कैरेक्टर इक्वेशन ऐसा मिल जाएगा तो माइनस जो हमारा क्या होगा कैरेक्टर ऐसे ही हम सीखे तो कल तो आप देख सकते हैं हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल चुका अब थर्ड हमारा क्या था कि वो जो कैरेक्टरिस्ट्रीड इक्वेशन हमें मिला है उसको हम जीरो के इक्वल कर देंगे मतलब ए माइनस इक्वल टू जीरो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा कि लैमडा क्यू माइनस लैमडा स्क्वायर इक्वल टू जीरो जहाँ पर अगर हम लैमडा स्क्वायर को कॉमन ले ले तो हमें मिल जाएगा लैमडा माइनस थ्री क्वल जीरो एंड लैमडास की वैल्यू भी हमें मिल जाएगा जो है लैमडा स्क्वायर इक्वल टू जीरो मतलब लैमडा इक्वल टू जीरो एंड जीरो एंड दूसरा एक जो है लैमडा माइनस थ्री इक्वल टू जीरो जहाँ से हमसे हमको मिल जाएगा लैमडा इक्वल टू थ्री तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें कैसे लैमडस् मिले थ्री जीरो एंड ठीक है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा सी। हमारा आंसर होगा सी। तो तो आंसर आपको मिल चुका लेकिन हमें जैम में या कोई भी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में आ, सही आंसर चुनना के चुनने के साथ साथ आपको टाइम भी सेव करना पड़ेगा क्योंकि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ तीन मिनट मिलेगा और ऐसे एंट्रेंस एग्जाम में बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन होता है जो आपका बहुत सारे टाइम ले लेगा ठीक है तो ऐसे हमको क्या करना पड़ेगा पहले तो हमको हमारा जो टाइम है उसको है तो ये जो मैथ है एक शॉर्ट टर्म भी है तो हम आपको बता दें तो कभी भी आपको अगर मान लीजिए एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसमें हर एक एलिमेंट वन है और एक एलिमेंट वन है जैसे मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स हो गया और एक मान लीजिए वन वन तो ये क्या हो गया एक फोर क्रॉस फोर मैट्रिक्स तो ये क्या था टू क्रॉस टू एक क्या था फोर क्रॉस फोर ठीक है तो ऐसे कोई मैट्रिक्स में अगर आपको दिया गया है जिसका हर एक एलिमेंट वन है एंड है, उसका अगर आपको आइगन वैल्यू निकालने को कहा जाए तो आप फटाफट से लिख लिख देना कि अगर वो टू क्रॉस टू मैट्रिक्स है तो उसका लैमडा कितने का होगा दो लैमडा मिलेगा लैमडा वन एंड लैमडा टू अगर थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स है तो उसमें कितना लैमडा मिलेगा आपको तीन लैमडा मिलेगा अगर चार क्रॉस चारै मैट्रिक्स होगा तो उसमें चार लैमडास मिलेगा तो ऐसे जो टू क्रॉस टू मैट्रिक्स है इसमें जो आइगन वैल्यू निकलेगा वो होगा पहले तो टू एंड जी ठीक है अगर फोर क्रॉस फोर मैट्रिक्स होगा उसमें लैमडा होगा फोर जीरो जीरो एंड जीरो ठीक है अगर आप सिर्फ लिख देंगे कि फोर तो बहुत गलत होगा क्योंकि एक फोर क्रॉस फोर मैट्रिक्स है चार आइगन वैल्यू निकलता है ठीक है तो अगर टू क्रॉस टू मैट्रिक्स है तो उसमें क्या होगा टू एंड जीरो अगर थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स है तो उसमें क्या निकलेगा थ्री जीरो जीरो अगर फोर क्रॉस फोर मैट्रिक्स होगा तो उसमें क्या निकलेगा फोर जीरो 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 तो ऐसे भी आपको अगर कोई भी मैट्रिक्स तो ऐसे मान लीजिए एट क्रॉस एट मैट्रिक्स दिया गया है जिसका हर एक एलिमेंट्स वन ठीक है तो उसमें लैमडस क्या होगा एट एंड बाकी सेवन जी तो ऐसे आप अपना टाइम भी सेव कर पाएंगे और उस टाइम को बाकी जो मुश्किल सवाल है यूज कर सकते हैं ठीक है तो आगे बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये रहा हमारा नेक्स्ट यहाँ पर क्या पूछा गया है कि आइगन वैल्यू एंड आइगेन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स तो इसमें बताया गया है कि इस ये जो मैट्रिक्स है फाइव फोर वन टू इसका आइगन वैल्यू एंड आइगेन वेक्टर कौन कौन सा है आपको निकालना पड़ेगा हा ठीक है तो हमारा मैट्रिक्स क्या दिया गया है फाइव फोर वन तो ऐसे आपको जो हम आपको पहले सिखाए हैं कि ए लेमडा आई ए माइनस लेमडा आई फिर उसको डिटर्मिनेंट एंड उसको जीरो के इक्वल करके हम आइगन वैल्यू निकालते हैं वही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे ठीक है पहला स्टेप क्या था ए माइनस एमडा आई निकाल लेते हम चे? तो हमारा होगा फाइव प्लस लैमडा फोर वन माइनस ओके नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा स्टेप दूसरा स्टेप है इसका डिटर्मिनेशन लैमडा आई का डिटर्मिनेशन निकाल तो क्या होगा फाइव माइनस लैमडा टू माइनस माइनस ठीक है तो अगर इसको आप कैलकुलेशन करें तो आपको मिल जाएगा लैम्डा स्क्वायर सेवेन लैम्डा प्लस टेन फोर अगर इसको आप ठीक ठाक करें तो आपको मिल जाएगा ग्या ग्या थार श्टेप, थार श्टेप क्या है? ठीक अब स्टेप। स्टेप में था? कि ये जो ए का या तो हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाले हैं उसको हम जीरो के इक्वल कर देंगे तो क्या होगा प्लस सिक्स इक्वल टू हमारा क्या है जीरो अगर आप यहाँ से जीरो पुटिंग कर ले तो आपको मिल जाएगा कुछ ऐसे माइनस माइनस वन तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा लैमडा की वैल्यू एक है और तो दूसरा है वन तो यहाँ तक आपको पता चल जा रहा है कि ऑप्शन कौन कौन सा हो हो सकता है ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन सी हो सकता है ठीक है अब इन दोनों के अंदर कौन सा होने वाला है वो फाइंड तो कर सकते हैं आइगन वेक्टर से तो आइगन वेक्टर कैसे निकाले कोई भी एक वेक्टर आइगन वैल्यू को हमको वेक्टर में पुट करके आइगन वेक्टर मल्टीपल करके जीरो के इक्वल कर देना है और वहां से हमको आइगन वेक्टर मिल जाए ठीक है कि पहले पहलेमडा इक्वल टू सिक्स के लिए हम कर लेते हैं तो अगर लैमडा इक्वल टू सिक्स हम ए माइनस आई पे पुट करते हैं तो हमें कौन सा मैट्रिक्स मिल जाएगा फाइव माइनस सिक्स फोर वन टू माइनस सिक्स ये मिल जाएगा तो तो यहाँ से क्या आएगा पहले तो माइनस वन फोर वन एंड माइनस ए मैट्रिक्स हमें मिल गया अब इसको हम क्या करेंगे इसको हम आइगेन वेक्टर से मल्टीपल करेंगे तो, आइगेन तो वेक्टर, को तो हम इक्वल करेंगे तो हो जाएगा कुछ ऐसे माइनस वन फोर वन माइनस फोर। ठीक है तो आइगेन वेक्टर हम क्या लेंगे एक्स वन एंड एक्स टू तो हम जीरो के इक्वल कर देंगे ऐसे ही तो तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर हम मल्टीपल करें तो हमारा मल्टीपल का रूल क्या था हमारा मल्टीपल का रूल था पहले रो को हम इस कॉलम से मल्टीपल करें तो हाँ, हमारा जो पहला इक्वेशन निकल के आ रहा है वो है माइनस एक्स वन प्लस फोर एक्स टू इक्वल टू जीरो एंड जो दूसरा इक्वेशन निकल कर आ रहा है वो है एक्स वन माइनस फोर एक्स टू इक्वल टू जीरो ठीक है तो अगर अब इन दोनों इक्वेशन से आपको पता चल जाएगा कि एक्स वन इक्वल टू फोर ठीक है यही निकल रहा है तो, तो आप देख सकते हैं अगर आप इस इक्वेशन को फॉलो करके अगर आइगन वेक्टर लिखें एक्स वन हमारा क्या था एक्स वन एक्स टू था तो मान लीजिए एक्स टू हम वन पकड़ लेते हैं टू वन तो हमारा आइगन वेक्टर क्या होगा तो अगर वन है तो एक्स वन हो जाएगा फोर तो हमारा फर्स्ट आइगन वेक्टर क्या हो गया फोर वन तो आप देख लेते हैं कि इससे हमारा रेट तो आप देखिए यहाँ पर तो दोनों का ही आइगन वैल्यू सिक्स वन दिया गया है लेकिन पहला वाला जो है वो उसमें हमारा राइट आंसर निकलता है लेकिन दूसरे में क्या है वन फोर जो नहीं हो सकता तो हमारा आंसर है ठीक है आंसर है हमारा तो ऐसे हम हाँ, आंसर निकाल सकते है, ठीक है तो आप आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द ट्रेस ऑफ अ थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स इज टू ऑफ इट आईगेन वैल्यून एंड टू दर्ड आईगेन वैल्यूट तो इसमें हमें बताया गया, गया है, कि एक matrix है जो है three cross three matrix, three cross three matrix मतलब, तीन रो है एंड तीन कॉलम है उसमें ठीक है और उसका ट्रेस है मान लीजिए वो मैट्रिक्स है एक तो उसका फ्रेस ऑफ ए है टू तो so, हम पहले लेक्चर से जो आइगन वैल्यू का प्रॉपर्टीज जाने हैं वहां पर हम क्या जाने हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स का ट्रेस निकाल लेते हैं तो ट्रेस ऑफ ए होता है हमारा उस मैट्रिक्स आइगन वैल्यू का काम का ठीक है तो लैमडा वन लैमडा टू प्लस लैमडा थ्री डॉट 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 प्लस लैमडा ए तो ये जो थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स है तो इसमें कितना लैमडस होगा थ्री लैमडस होगा जो है लैमडा वन लैमडा टू एंड लैमडा थ्री अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है टू ऑफ इट्स आइगन वैल्यू आर वन एंड टू ठीक है तो लैमडा वन दिया गया है वन एंड लैमडा टू दिया गया है टू हमें फाइंड करना होगा लैमडा थ्री लैमडा थ्री क्या है तो टेस ऑफ ए इक्वल टू टू टेस ऑफ ए मतलब क्या लैमडा वन प्लस लैमडा टू प्लस लैमडा थ्री इक्वल टू अब लैमडा वन लेमडा टू का वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो वन प्लस प्लस लैमडा थ्री इक्वल टू टू तो यहां से हमें लेमडा थ्री का वैल्यू क्या मिल रहा है टू माइनस वन माइनस इक्वल टू माइनस वन ठीक है तो आंसर है हमारा ठीक है तो ऐसे आप हाँ ट्रेस से आंसर निकाल सकते हैं आइगन वैल्यू निकाल सकते है. तो यहाँ से आप देख सकते हैं हम प्रॉपर्टीज से भी क्वेश्चन आ रहा है जहा प्रोपर्टीज से आप आंसर कर सकते हैं तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो है वन ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसका एक आइगन वैल्यू भी दिया गया है हमारा फाइव एंड द अदर टू आइगन वैल्यूज आर तो चारो ऑप्शन दिया गया है तो देखिए एक प्रोसेस तो आपका हो गया कि आप a माइनस लैमडा आई से इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकाल लीजिए और वहाँ से आपको पता चल जाए कि दो मैट्रिक्स का दो जो आइगन वैल्यू है वो क्या है तो एक जो है हम ए माइनस लैमडा आई का जो डिटर्मिनेशन निकालेंगे फिर उसको जीरो पुट करेंगे वहाँ से डायरेक्टास्टिक्वेशन ठीक है एंड देन हमें मिल जाएगा लेकिन ये प्रोसेस है थोड़ा लेंथी लेकिन हमें क्या करना है हमें आंसर के साथ साथ अपना टाइम भी बचाना है ठीक तो अब हम क्या करेंगे कि मान लीजिए ये मैट्रिक्स ए से हम डिनोट कर देते हैं जो है टू थ्री जीरो टू जीरो एंड जीरो जीरो वन ठीक है तो अब मैट्रिक्स का हम ट्रेस निकाल ट्रेस ऑफ ए तो ट्रेस ऑफ ए क्या होता है जो डायगोनल एलिमेंट है उसका साम। ठीक है तो डायगोनल एलिमेंट्स टू प्लस टू प्लस वन इक्वल टू फाइव हो गया अब हम निकाल लेते हैं कि डिटर्मिनेट ऑफ ए तो डिटर्मिनेंट ए क्या होगा टू इंटू वन एस थ्री माइनस थ्री अस्टो ऐसे हमें क्या मिल रहा है फोर माइनस नाइन जो है हमारा माइनस फाइव तो अब फेस और आइगन वैल्यू के प्रॉपर्टी से हमें क्या जानने को मिला था कि ऑफ़ अ मैट्रिक्स होता क्या है लैमडा वन प्लस लैमडा टू प्लस लैमडा थ्री तो हमारा है फाइव एंड दूसरा जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो होता है लैमडा वन टू टू लैमडा थ्री जो हमें मिला है माइनस फाइव ठीक है तो एक तो हो गया second, एक तो हमारा लैमडा दिया गया है फाइव मान लीजिए लैमडा वन दिया गया है फाइव तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा फाइव प्लस लैमडा टू प्लस लैमडा थ्री फास्ट इक्शन से क्या मिल रहा है फाइव तो आप बता सकते कि लैमडा टू प्लस लैमडा थ्री इक्वल टू जीरो होगा अब दूसरे में अगर आप ये लैमडा वन का वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि फाइव इंटू लैमडा टू इन लैमडा थ्री इक्वल टू माइनस फाइव तो यह सब आपको मिल जा रहा है कि लैमडा टू टू लैमडा थ्री इक्वल टू माइनस वन तो अब आप ये जो आपको दो इक्वेशन मिला है जो है लैम्डा uh, हमारा लैमडा टू प्लस लैम्डा थ्री इक्वल टू जीरो होगा ठीक है और लैम्डा टू इंटू लैमडा थ्री जो हमारा माइनस वन होगा तो अब ये जो हमारा चार ऑप्शन दिया गया है आप यहाँ से मैच कर सकते हैं कि अगर जीरो जीरो होगा तो जीरो जीरो प्लस होकर जीरो हो सकता है लेकिन जीरो जीरो मल्टीपल होकर माइनस वन नहीं हो सकता ठीक है गे? तो ये आंसर हो गया रॉन्ग अब देखिए वन प्लस वन तो जीरो नहीं हो सकता लेकिन हमारा रूल्स क्या है लेमडा टू प्लस लेमडा थ्री इक्वल टू जीरो तो ये भी नहीं हो सकता अब देखिए नेक्स्ट क्या है वन एंड माइनस वन अगर वन एंड माइनस वन को अगर प्लस कीजिएगा तो जीरो हो जाएगा एंड वन एंड माइनस वन को अगर मल्टीपल करेंगे तो माइनस वन मिल जाए तो ये दोनों रूल ही फॉलो कर रहा है ठीक है तो ये फॉलो कर रहा है नेक्स्ट चेक कर लेते हैं यहाँ पर माइनस वन माइनस वन है तो माइनस वन और माइनस वन को अगर ऐड करेंगे तो माइनस टू निकलेगा जो रॉन्ग है तो हमें आंसर क्या मिल गया सी वन एंड माइनस वन तो लैमडा टू हो गया हमारा वन एंड लैमडा थ्री हो गया हमारा माइनस वन देखिये आपको यहाँ पर थोड़ा लॉन्ग लग रहा है क्योंकि आपको हम समझा के आंसर निकाल रहे हैं लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्जाम में ये बहुत ही जल्दी हो जाएगा नेक्स्ट इसका जो सेकेंड पार्ट है यहाँ पर क्या कहा गया है कि द नॉर्मलाइज आइगेन वेक्टर कोरिस्पेंडिंग टू द आइगन वैल्यू फाइव मतलब इक्वल टू के आ, निकालने को कहा गया है ठीक है तो आप कर लेते हैं ठीक है? है तो आ, अब सेकेंड स्टेप पे हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो हमारा जो मैट्रिक्स दिया गया था वो क्या है वो है एंड जीरो वन जो ठीक है इसका आइगन फैक्टर किस लैमडा के लिए लैमडा इक्वल टू फाइव तो ऐसे में आपको क्या निकालना पड़ेगा ए माइनस लैमडा आई इसमें लैमडा इक्वल टू फाइव ये मैट्रिक्स आपको निकालना पड़ेगा तो पहले निकाल लेते हैं तो ए माइनस फाइव आई आपका हो जाएगा माइनस फाइव थ्री जीरो थ्री टू माइनस फाइव जीरो 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 वन माइनस फाइव ठीक तो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है माइनस थ्री थ्री जीरो थ्री माइनस थ्री जीरो 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 यही निकल के आ रहा है तो आप आपको क्या करना पड़ेगा ए माइनस लैमडा आई को आइगन वेक्टर से मल्टीपल करना पड़ेगा तो आपको आइगन वेक्टर से मल्टीपल करना पड़ेगा जिसको हम करेंगे क्या जीरो के इक्वल कर देंगे तो चलिए करते हैं तो ऐसे में माइनस थ्री थ्री जीरो थ्री माइनस थ्री जीरो जीरो जीरो, माइनस फोर मल्टीपल बाई तो यहाँ पर देख सकते हैं तीन थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स है तो आइगन फैक्टर भी थ्री वैल्यू होगा एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री जो हो जाएगा जीरो के इक्की तो आप मल्टीपल कर लेते हैं तो यहाँ से आपको कितने इक्वेशन मिलेगा तीन इक्वेशन मिलेगा पहला है माइनस थ्री एक्स वन प्लस थ्री एक्स टू प्लस जीरो इक्वल टू जीरो दूसरा इक्वेशन क्या है थ्री एक्स वन माइनस थ्री एक्स टू प्लस जीरो इक्वल टू जीरो एंड थर्ड इक्वेशन हमारा क्या निकल के आया है माइनस फोर एक्स थ्री इक्वल टू जीरो तीन इक्वेशन आपको मिल अब इन तीनों इक्वेशन से आपको क्या करना पड़ेगा एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री का रिलेशन निकालना पड़ेगा तो चलिए करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो थर्ड इक्वेशन था वहाँ पे क्या दिया गया है फोर एक्स थ्री इक्वल टू जीरो तो आप यहाँ से बता सकते कि एक्स थ्री इक्वल टू आपका क्या हो गया जीरो हो गया नेक्स्ट वन एंड टू इक्वेशन से वन एंड इक्वेशन टू से आपको मिल जाएगा कि यहाँ पर दिया गया है थ्री एक्स वन इक्वल टू थ्री एक्स टू मतलब एक्स वन इक्वल टू तो पहला क्या मिला एक्स थ्री इक्वल टू जीरो एंड दूसरा क्या मिला एक्स वन इक्वल टू एक्स टू तो अब क्वेश्चन में मैच कर लेते कि ऐसे हमें कोई आंसर मिल रहा है या नहीं तो एक्स वन हमारा क्या है एक्स टू के इक्वल है एंड जो एक्स थ्री है वो जीरो है अगर यहाँ से हमको आंसर मिल गया तो अच्छा अगर नहीं है तो हमको फिर वहां पर आंसर कोई भी नंबर पकड़ के फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा ठीक है तो आप देखिए कि एक्स थ्री जीरो कौन कौन से मैट्रिक्स में है जो डी है वो वहां पर है और जो डी है वहां पर है ठीक है तो थर्ड इक्वेशन दोनों मैट्रिक्स में है अब नेक्स्ट है कि एक्स वन इक्वल टू एक्स टू तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स वन और एक्स टू दोनों सेम है वन वन है लेकिन यहां पर देखिए कि एक्स वन माइनस वन है और एक्स टू सिर्फ वन है तो दोनों इक्वल नहीं है तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका गलत और डी ऑप्शन होगा आपका सही तो ई होगा आपका आंसर तो ऐसे आप इसी तरीके से आंसर निकाल सकते हैं अगर मान लीजिए कि आप ऐसे नहीं निकालना चाहते हैं तो हम फर्दर प्रोसेस करते हैं ठीक है तो ऐसे में क्या करेंगे आप तो मैट्रिक्स हो हुआ है हमारा x1, x2, x3, x3 हमारा क्या है जीरो, तो जीरो पुट कर देते हैं। अब x2 जो होगा वो ही x1 होगा। तो x2 अगर मान लीजिए 1 होगा तो x1 भी 1 होगा। तो हम 1 ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं इसीलिए क्योंकि उसमें कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता। तो आप बता ये भी सोच सकते हैं कि क्यों हम जीरो क्यों नहीं लेंगे तो उससे तो बहुत ही ईजी हो जाए सभी जीरो 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 तो इस तरह आप से जीरो आप ले सकते हैं लेकिन वो वैलिड नहीं ऐसा है मैट्रिक्स एग्जिट नहीं कर सकता वैसे तो, तो आप रूट में भी आ, एक तो जीरो पर हर सोल्यूशन मिल सकता है लेकिन जीरो उसका रियल सोल्यूशन नहीं होता है तो ऐसे ही तरह अब अगर एक्स टू जीरो ले सकते हैं लेकिन वो आंसर एग्जिट नहीं कर सकता है तो ऐसे इस मैट्रिक्स का नॉर्मल हम निकाल लेते हैं तो नॉर्मल कैसे निकलते है? जो एलिमेंट्स है उसका स्क्वायर रूट तो स्क्वायर रूट क्या होगा वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर और मैट्रिक्स निकला हुआ है तो यहाँ से हमारा आंसर क्या मिला वन बाई टू वन वन ठीक है वन बाई रूट टू वन वन जीरो तो चेक कर लेते वही आंसर है या नहीं तो आप देख सकते हो वन बाई रूट टू वन वन तो देख सकते हैं कि ऐसे इजी तरीके से आपको ये जो प्रोसेस था जो तो 30 सेकेंड का भी प्रोसेस था वो आपको करना नहीं पड़े है तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा समय बचाकर आपको बाकी लास्ट में बाकी जो टॉप क्वेश्चन है उसको करने के लिए टाइम भी मिल ठीक तो है ऐसे हम शॉर्ट प्रोसेस भी कर सकते हैं नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स जो है एक फोर क्रॉस फोर मैट्रिक्स तो इस मैट्रिक्स का हमें आइगन वैल्यू निकालने को कहा है तो आप देखिए कि आपको टू क्रॉस टू मैट्रिक्स अभी जी से निकाल सकते ए माइनस लैमडा इसे थ्री क्रॉस थ्री भी निकाल सकते हैं वो थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन फिर भी आप निकाल सकते हैं लेकिन अगर फोर क्रॉस फोर मैट्रिक्स आ जाए तो यहाँ पर आपका दिमाग घूम जाएगा कि हम कैसे करें इतना बड़ा मैट्रिक्स जो है तो यहां पर देखिए आपको घबराना नहीं है तो इसको पहले आप लिख लीजिए कि ये मैट्रिक्स जीरो वन जीरो जीरो टू टू आई एंड जीरो देखिए ये क्या है एक फोर क्रॉस फोर मैट्रिक्स तो so, डिटर्मिनेंट भी निकालना इसमें थोड़ा सा टफ है तो so, पहले हम क्या करेंगे इसका ट्रेस निकाल तो ट्रेस इजी है इसका डायगोनल एलिजमेंट्स की भी सिर्फ एडिंग है तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो इक्वल टू क्या है जीरो तो so, हमें पता क्या चल रहा है कि इसका जो आइगन वैल्यू है जो लैमडा वन प्लस लैमडा टू प्लस प्लस जो लैमडा फोर है वो इक्वल टू जीरो होगा तो so, ये जो है ये एक ही इक्वेशन हमारे पास है और इससे हम आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आप पहले देखिए ये जो है ये जो ऑप्शन है ए वाला तो इसमें अगर आप डैम लैमडास को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है माइनस टू माइनस वन प्लस वन प्लस टू तो आप ऐड करके आपको क्या मिल रहा है जीरो अपर आप आपको तो जीरो मिल रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं यहाँ पर अगर आप ऐड करेंगे तो माइनस वन प्लस वन प्लस जीरो प्लस टू तो यहाँ पर देखिए आपको टू मिल रहा है जो नहीं होने वाला तो बी ऑप्शन तो हो गया हमारा गलत नेक्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं जो हमारा है वन प्लस जीरो प्लस टू प्लस थ्री तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है सिक्स जो नहीं होगा क्योंकि हमारा लैमडस् का एड क्या होगा जीरो होगा नेक्स्ट डी तो डी को भी ऐड कर लेते हैं माइनस वन प्लस वन प्लस जीरो प्लस थ्री तो आ रहा है थ्री तो ये भी गलत क्योंकि एडिंग क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ छे से ही आपका आंसर आ गया तो है हमारा ए आंसर होगा ठीक है तो ऐसे ही आप इजी तरीके से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन की भी ऐसा निकाल सकते हैं ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दो क्वेश्चन दिया गया है ठीक है तो पहला क्वेश्चन जो है इलेवेंथ नंबर का क्वेश्चन दिया गया है द डिटर्मिनेंट ऑफ अ थ्री रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज थर्टी सिक्स इफ टू ऑफ इट्स आइगन वैल्यू आर टू एंड थ्री थर्ड आइगन वैल्यू इज तो यहाँ पर कहा गया है कि एक मैट्रिक्स है जो है थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स तो एक थ्री क्रॉस थ्री मेट्रिक्स आपके दिमाग में पहले क्या आएगा कि इसमें लैबडा होगा तीन मतलब आइगन वैल्यू तीन होगा लैम्डा लैम्डा टू तीन नहीं मतलब तीनों आइगन वैल्यू आपको मिलेगा ठीक है तो एक ऑफ रियल मैट्रिक्स जो है 36. अगर मान लीजिए कि वो मैट्रिक्स है तो क्वेश्चन के मुताबिक ऑफ इक्वल टू थर्टी सिक्स जिसको हम पहले से जानते हैं कि ये इक्वल टू है लेमडा वन इंटू लैमडा टू इंटू लैमडा थ्री का ठीक है तो अब यहाँ पर दिया गया है कि दो आइगन वैल्यू है लैमडा वन जो है वो टू है थ्री जो है थ्री तो so, आप लैमडा वन इंटू लैमडा टू इंटू लैमडा थ्री तो हमें पता है कि वो थर्टी सिक्स है अब दोनों आइगन वैल्यू का वैल्यू पुट कर देते कि टू इंटू थ्री इंटू लैमडा थ्री इक्वल टू थर्टी सिक्सडा थ्री का वैल्यू क्या आया थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाई सिक्स जो है हमारा सिक्स तो आंसर क्या हुआ आंसर हो गया जो है ठीक है तो ऐसे हम आसानी से क्वेश्चन का सल्यूशन निकाल सकते हैं ठीक है तो आगे अब आगे अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एल ट्रेसलेस फोर क्रॉस फोर यूनिटरी मैट्रिक्स हैज टू हैल्यू माइनस वन एंड वन द अदर आइगन वैल्यू आर तो यहाँ पर अब ये बात को नोटिस कीजिए बाद है यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए ट्रेसलेस मतलब इसका ट्रेस तो है जो है वो तो है जो ट्रेस है इसका वो जीरो है अब ट्रेस ए का जीरो होने का मतलब क्या है इसका जो लैमडास होगा कितना लेमडस होगा पहले तो ये देख लेते कि ये फोर क्रॉस फोर मैट्रिक्स है क्या है फोर क्रॉस फोर मैट्रिक्स तो इसका मतलब इसमें लैमडा होगा चार लैमडा वन लैमडा टू लैमडा थ्री एंड लैमडा फोर ठीक है तो लैमडा वन प्लस टू प्लस लैमडा थ्री प्लस लैमडा फोर होगा तो अब जो पहला दो आइगन वैल्यू दिया गया है हम मान लेते हैं इक्वल टू एंड हमारा जो है वन तो अगर वैल्यू पुट कर देते हैं तो माइनस वन प्लस वन प्लस लैमडा थ्री प्लस लैमडा फोर इक्वल टू जीरो तो यहां से हमें क्या मिल रहा है लेमडा थ्री प्लस रैमडा फोर इक्वल टू जीरो ये तो हमें मिल गया तो अब ये जो ऑप्शन है यहाँ से हमें ऐसा तो वैल्यू निकालना पड़ेगा जिसका एड जीरो मिलेगा ठीक है तो अब देखिए जो पहला वाला है जीरो प्लस टू अगर जीरो प्लस टू करेंगे तो प्लस टू ही निकलेगा तो ये तो हो नहीं हो सकता नेक्स्ट क्या है माइनस वन प्लस वन तो माइनस वन प्लस वन को अगर आप ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा जीरो जो है तो ये आंसर सही है अब देखिए जीरो प्लस वन को अगर ऐड करें तो क्या निकलेगा वन जो गलत है वन प्लस वन करेंगे तो क्या है टू है वो भी गलत है तो आंसर क्या निकल के आया बी सर है हमारा बी जो तो है लैमडा थ्री इक्वल टू तो माइनस वन एंड लैमडा फोर इक्वल टू ठीक है तो ऐसे आप आसान तरीके से आंसर निकाल सकते हैं ठीक है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ ठीक है तो ये रहा हमारा दूसरा दो तो पहला वाला है ए थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स हैव आइगन वैल्यू जीरो प्लस आई एंड टू माइनस आई ठीक है फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ठीक है तो यहां पर बताएगी कि ये जो एक मैट्रिक्स है इसका दो आइगन वैल्यू तीन आइगन वैल्यू जो है जीरो टू प्लस आई टू माइनस आई है तो आपको बताना है कि द मैट्रिक्स इज हारमिशन और द मैट्रिक्स इज यूनिटरी और द मैट्रिक्स इज इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स एग्जिस्ट और डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज चीज तो आप देखिए अगर आपको हारमिशन मालूम करना होगा तो आपको कुछ रूल फॉलो करना पड़ेगा अगर यूनिटरी होगा तो वहां पर भी आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा अगर द इनवर्स ऑफ द हार्मिशन मैट्रिक्स वहां पर भी रूल तो क्या है अगर ये प्रोसेस या फिर ये प्रोसेस अगर ये चेक करना होगा तो टाइम जाएगा लेकिन देख सकते हैं कि लास्ट जो ऑप्शन है द डिटर्मिनेशन ऑफ द मैट्रिक्स इज ठीक है द डिटर्मिनेशन ऑफ द मैट्रिक्स इज तो ये जो ऑप्शन है इसको आप चेक करने के लिए आपको टाइम ज्यादा नहीं क्यों क्योंकि हमें पता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ अ मैट्रिक्स इक्वल टू लैमडा वन टू लैमडा टू थ्री मतलब जो लैमडस से उनका मल्टीप्लीकेशन ही डिटर्मिनेशन है जो ऑप्शन में क्या है जीरो तो हम चेक कर लेते कि आखिर में जीरो आ रहा है या नहीं ठीक है तो अगर लैमडस क्या है हमारा लैमडा वन जो है जीरो आई एंड लैमडा थ्री जो हमारा है टू माइनस आई ठीक है तो डिटर्मिनेशन ऑफ ए हमारा क्या निकल के आया जीरो मल्टीपल बाई टू प्लस आई मल्टीपल बाई माइनस तो अगर कोई किसी भी नंबर को जीरो से मल्टीपल कर, करा जाए तो क्या आंसर आएगा जीरो ही आएगा तो देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ ए हमारा क्या आया तो आंसर हो गया हमारा डी तो ऐसे आप देख सकते हैं अगर आप पहले दो बार तीनों ऑप्शन को चेक करने जाते तो आपका टाइम भी जाता और मेहनत बेकार लेकिन अगर आप इजी ऑप्शन चूज करें अगर वो भी गलत निकला अगर वो आंसर नहीं हुआ तो टाइम कम लगेगा बाकी ऑप्शन तो, के मुकाबले अगर वो निकल गया आंसर तो, तो वो तो बहुत ही अच्छा है तो ऐसे ही आप आंसर निकाल सकते नेक्स्ट है फिफ्टीन नंबर का क्वेश्चन इफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी कैन बी डाइगोनालाइज सिमिलटोनली हुई ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू मतलब अगर ए एंड बी मैट्रिक्स दोनों ही डायगोनलाइज्ड मैट्रिक्स है देन इनमें कौन सा जो रिलेशन लिखा गया है वो ट्रू है ठीक है तो आपको पहले दिन कुछ प्रॉपर्टीज लिखाया गया था और बताया गया था कि प्रॉपर्टी से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है तो ये भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन है एंड यहाँ पर जो आंसर है वो होगा टी ए बी टू बी क्योंकि ये इसका एक प्रॉपर्टी ठीक है तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट प्रॉपर्टी से ही एक क्वेश्चन आ चुका ठीक है तो प्रॉपर्टीज को आप ध्यान से पढ़ेंगे और याद भी रखें हम तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स मतलब यहाँ पर भी पहले क्वेश्चन की तरह एक टू क्रॉस टू मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने को कहा गया जो मैट्रिक्स है हमारा one, one, तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ठीक है तो ऐसे ऐसे असाइनमेंट्स हैंड रिटेन नोट्स प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जो डिस्क्रिप्शन में एडिट है तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए तो अब Uh, फिर से वापस फिरते हैं तो में जो है ए इन्वर्स ए इन्वर्स क्या होगा पहले तो डिटर्मिनेशन ऑफ ए एंड मल्टीपल बाय जो मैट्रिक्स होगा इसमें वन वन अपना तो पोजीशन चेंज कर लेंगे एंड जो माइनस वन है उसका तो साइन चेंज हो जाएगा एंड जीरो अगर उसका साइन भी चेंज हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है तो अब डिटर्मिनेशन क्या है वन इंटू वन माइनस माइनस वन इंटू जीरो एंड मैट्रिक्स वन वन टू वन तो यहां से हमें आंसर क्या मिल रहा है वन बाई वन 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 टू वन तो आंसर क्या हुआ आंसर हुआ सी ठीक है तो देखिए मैट्रिक्स से कितना इजी क्वेश्चन आता है हर साल और ये भी एक नंबर नंबर आपको मिल सकता है बहुत ही इजी तरीके से तो ऐसे ही अगर आप मैथ पीजिक ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत सारे नंबर भी मिल जाएंगे ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो यहां पर दिया गया है इफ एंटी एंटीसीमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए ट्रांसफोज द ट्रांसफोज ऑफ द मैट्रिक ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन डज नॉट होल्ड गुड तो जहाँ पर दिया गया है कि ए एक एंटीसीमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड ए ट्रांसफोर्ज है उसका ट्रांसफोज तो so, यहाँ पर हमको कहना है कि कौन सा रिलेशन खेल में नहीं होता। तो so, ये आप देख सकते प्रॉपर्टी से ही आया हुआ क्वेश्चन है अगर प्रॉपर्टीज अच्छे से ध्यान रखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही जल्दी इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो पहला है एंटी सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक होने का जो प्रॉपर्टीज था वो हमारा क्या था ए आई एलिमेंट इक्वल टू माइनस ए जे आई एलिमेंट होना होगा ये था हमारा पहला रूल और दूसरा क्या था एक्वल टू माइनस ए ट्रांसफोज या फिर ए ट्रांसफोज इक्वल टू माइनस ए तो अब इन जो रूल्स हमें पता ही या प्रॉपर्टीज हमको पता है उनसे हम आंसर निकालेंगे तो पहले देखिए पहला ऑप्शन तो डायरेक्ट हमें प्रॉपर्टी से दिया गया है पहला जो रूल है देखिए ट्रांसफर इक्वल टू माइनस ये तो नहीं होगा क्योंकि एक गुड रिलेशन है गुड रिलेशन है तो ये तो आंसर नहीं है नेक्स्ट आप देखिए जो है हमारा ए डॉट ए ट्रांसफर तो अगर ए डॉट ए ट्रांसफोज है तो उसका मतलब क्या है ए ट्रांसफोज डॉट ए ही होगा मतलब अब देखिए ए डॉट ए ट्रांसफोज तो ए ट्रांसफोज हमारा क्या है माइनस ए है तो ए डॉट माइनस ए तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा माइनस स्क्वायर एंड ए ट्रांसपोज डॉट ए हमारा क्या है माइनस ए डॉट ए जो भी है हमारा माइनस ए स्क्वायर दोनों इक्वल है तो ऑप्शन बी भी एक गुड रिलेशन है जो आंसर नहीं है नेक्स्ट अब देखिए ए स्क्वायर इज एन एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ठीक है ऑप्शन सी ए स्क्वायर स्क्वायर मतलब क्या हुआ ए डॉट ए जो बताया गया कि इज एन एंटी सिमेट्रिक अगर मान लीजिए ए मतलब हमारा क्या आएगा माइनस ए ट्रांसफोर्ज एंड दूसरा ए क्या होगा माइनस ए ट्रांसफोर्ज तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ए ट्रांसफोर्ज इनटू ए ट्रांसफर जो हो जाएगा हमारा ए ट्रांसफर्स का स्क्वायर अगर दोनों तरफ से स्क्वायर उठा देंगे हम तो हमें क्या मिलेगा ए इक्वल टू ए ट्रांसफर जो एक एंटीसीमेट्रिक नहीं है तो ये रिलेशन इज नॉट इज अ गुड तो ये जो ए इक्वल टू A ए स्क्वायर इज एंटी एंटीसीमेट्रिक है तो ये रिलेशन नॉट होल्ड तो हमारा आंसर भी हमें पूछा गया है कि कौन सा रिलेशन नॉट होल्ड गुड तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी ठीक है तो देखिए ये क्वेश्चन पूरा का पूरा था प्रोपर्टीज से तो अगर आप प्रोपर्टीज को ज्यादा से ज्यादा फॉलो कीजिएगा तो आपको आंसर बहुत ही जल्दी है तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है द आई गेन ऑफ द मैट्रिक्स जीरो वन जीरो 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 वन वन जीरो जीरो आर गिवेन बाई लैमडा वन लैमडा टू लैमडा थ्री ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ठीक है तो हमें जो रॉन्ग रिलेशन है उसको निकालना पड़ेगा तो पहले हम मैट्रिक्स को लिख लेते हैं हमें मैट्रिक्स दिया गया है क्या टू वन टू जीरो वन वन जीरो एंड तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लैमडा वन प्लस लैमडा टू प्लस लैमडा थ्री है पहला रिलेशन ये है कि लैमडा वन प्लस लैमडा टू लैमडा थ्री तो हम इसको निकाल लेते हैं ठीक है तो लैमडा वन लैमडा टू और लैमडा थ्री हम कैसे निकाल सकते हैं फेस ऑफ ए निकाल करके ठीक है जो होता है लैमडा वन प्लस लैमडा टू प्लस लैमडा थ्री से ठीक है तो लैमडा वन लैमडा टू लैमडा थ्री हमारा क्या निकल के आ रहा है जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो जो है हमारा जीरो तो पहला जो रिलेशन है वो तो हो गया हमारा रॉन्ग ठीक है क्यों हुआ क्योंकि ट्रेस से हमारा क्या होता है लेमडा लैंग्डा वन लैमडा का एट जो है हमारा जीरो पहला ऑप्शन हो गया हमारा रॉन्ग नेक्स्ट है ऑल आई वैल्यूज आर रियल ठीक है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ऑल आइगन वैल्यू रिले है या नहीं उसके पहले हम बाकी जो रिलेशन है उसको हम चेक तो दूसरा जो हमारा ऑप्शन बचता है डी जो है प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू इज वन तो प्रोडक्ट मतलब लैमडा वन इन टू लैमडा टू टू लैमडा थ्री जो है हमारा वन तो लैमडा वन लैमडा टू लैमडा थ्री हम कैसे निकाल सकते हैं तो उसको हम निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंस डिटर्मिनेंस से हम निकाल सकते हैं तो निकाल लेते हैं कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा टू माइनस टू माइनस वन टू जीरो माइनस वन प्लस जीरो तो जीरो, तो जीरो तो है हमारा एस वन इन वन उत्तर हो जाएगा वन तो यहाँ पर देखिए डिटर्मेंट ए हमारा निकल रहा है वन इसका मतलब लैमडा वन इंटू लैमडा टू इंटू लैमडा थ्री हो गया हमारा वन तो हमारा जो दूसरा ऑप्शन ये भी ट्रू है पहला जो ऑप्शन है ये भी ट्रू है देन ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं ऑल आइगन वैल्यूज आर ठीक है तो आप देख सकते हैं ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स पूरा का पूरा ही रियल मैट्रिक्स है इसमें कोई भी इमेजिनरी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता ठीक है तो इसी कारण इस मैट्रिक्स का हर एक आइगन वैल्यूज ऑल आइगन वैल्यूज होगा रियल तो जो टी ऑप्शन है ये भी ट्रू है तो हमारे आंसर के लिए ए सी एंड डी सही नहीं है तो आंसर क्या होगा ऑप्शन बी आंसर हो गया हमारा ऑप्शन तो आप देख सकते हैं ऐसे भी आप ऑप्शनों को रॉन्ग प्रूफ करके भी अपना रियल आंसर जो है वो निकाल सकते हैं तो फिर अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है द मैट्रिक्स जीरो माइनस वन जीरो वन जीरो 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 वन इज ऑर्थोगोनल और हार्मिसम और सिमेट्रिक एंड एंटीसीमेट तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा एक एक को चेक तो पहले है ऑर्थोगोनल चेक कर लेते हैं पहले मैट्रिक्स को लिख लेते हैं जीरो माइनस वन जीरो हाँ तो हमारा जो मैट्रिक्स हुआ वो है जीरो माइनस वन जीरो वन जीरो 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 वन ठीक है तो ऑर्थोगोनल होने के कुछ हमारा जो प्रॉपर्टीज था वो क्या है या फिर आप कह सकते हैं कि रूल्स था वो है ऑर्थोगोनल होने का आपको होना पड़ेगा ए डॉट ए ट्रांसफोज टू एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो अब इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसफोर्स निकाल लेते हैं ए ट्रांसफोर्स हमारा क्या होगा ट्रांसफोर्स क्या होता है रो को कॉलम में इंटरचेंज करना तो पहला जो हमारा रो है वो क्या है जीरो माइनस वन जीरो नेक्स्ट वो है वन जीरो जीरो नेक्स्ट वो है जीरो जीरो एंड वन ठीक तो यहाँ से हमारा ट्रांसफोर्स निकल तो अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा इन दोनों को हम मल्टीपल कर दें ए डॉट ए ट्रांसफोर्स मैट्रिक्स दोनों हम पास पास लिख लेते हैं जिससे हमें आसानी होगा मल्टीपल करने के लिए। माइनस वन जीरो वन जीरो 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 एंड वन एंड ए ट्रांसफर हमारा क्या हुआ टू वन जो माइनस वन जीरो जीरो तो आप इस प्रोसेस से मल्टीपल जो जो बच्चे को मल्टीपल समझ नहीं आया वो यहाँ से समझ सकते हैं तो मल्टीपल आखिर में होता क्या है पहला जो रो है पहला जो मैट्रिक्स का जो रो है उसको हम पहले इस कॉलम से मल्टीपल इसको हम इससे मल्टीपल तो कैसे ये आंसर आएगा अगर मल्टीपल करेंगे तो हमारा क्या आएगा जीरो से जीरो माइनस वन इंटू माइनस वन क्या होगा प्लस वन फिर जीरो से जीरो आएगा नेक्स्ट यही रो को हम दूसरे कॉलम से तो हम दूसरे सॉरी दूसरे कॉलम से मल्टीपल तो तो क्या आएगा जीरो से वन जीरो माइनस वन से जीरो जीरो एंड जीरो से जीरो तो जीरो नेक्स्ट ये जो थर्ड कॉलम है इसको हम उस रो से मल्टीपल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा जीरो से जीरो माइनस वन से जीरो एंड जीरो से जीरो तो हो गया हमारा ऐसे ही बाकी सबको हम मल्टीपल करते चलेंगे जीरो प्लस जीरो यहाँ पे हमें मिल जाएगा वन प्लस जीरो प्लस जीरो टू प्लस, प्लस, तो प्लस जीरो प्लस जीरो एंड यहाँ जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो जीरो आखिर जीरो प्लस जीरो प्लस ठीक है तो अब देख लीजिए यहाँ से हमारा आंसर क्या आ रहा है वन टू वन एंड जीरो जीरो तो ये क्या है थ्री क्रॉस थ्री आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आई थ्री है ये तो हमारा ऑर्थोगोनल होने क्या रूल था को उसके ट्रांसफर से अगर मल्टीपल किया जाए तो फिर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो आ रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हमारा आंसर का आइडेंटिटी सॉरी मैट्रिक्स को नैट्रिक्स तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको पता भी चल रहा है कि एग्जाम में कौन कौन से टाइप का क्वेश्चन आता है एक चैप्टर से ठीक है तो देखिए यहाँ पर आइगन वैल्यू भी निकालना निकालने की क्वेश्चन आ रहा है यहाँ से आपको ट्रेस डिटर्मिनेंट से भी आइगन वैल्यू निकालने को कह रहा है या फिर ट्रेस डिटर्मिनेंट आप जानते हैं या नहीं या फिर डायरेक्ट आइगन वैल्यू के प्रोसेस से को भी आपको करने के लिए कहा जा रहा है और सबसे ज्यादा जो आ रहा है वो है प्रोपर्टी से देखिए अगर आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कैसे प्रूव कर सकते हैं अगर आपको पता नहीं होगा तो आप ये मैथ नहीं कर सकते तो प्रॉपर्टीज जानना पड़ेगा कि ए डॉट ए ट्रांसफर अगर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है तो तभी उसको हम क्या कहते हैं ऑर्थोगोनल तो, तो अगर ये प्रोसेस आपको नहीं पता होगा तो आप ये मैथ नहीं कर पाएंगे तो इसके लिए प्रॉपर्टीज जानना आपके लिए है बहुत ही जरूरी ठीक है तो प्रॉपर्टीज और डिटेल्स जो लेक्चर हमने किया है वो हमारा पहला वीडियो मैट्रिक्स के रिगार्डिंग मैट्रिक्स का पहला जो लेक्चर था वहां पर फुल डिटेल्स के साथ आपको बेसिक थ्योरी करवाया गया है तो डिटेल से करने के लिए आप पहला वीडियो देख भी सकते हैं ठीक है थीगे? तो फिर आगे बैठते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन uh, है हमारा द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स एम इक्वल टू जीरो वन वन जीरो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मैट्रिक्स टू क्रॉस टू मैट्रिक्स दिया गया है जहाँ पर आपको बताया गया है कि आप आइगन वैल्यू निकाल तो देखिए तो आप कर सकते हैं एम माइनस लेमडा आई जहाँ पर एम माइनस लेमडा आई को निकाल कर आप आ, उसको मॉड मतलब डिटर्मिनाट निकाल लिए फिर उसको जीरो के इक्वल कीजिए आपको आइगन वैल्यू का इक्वेशन भी तो आप सोच सकते हैं कि ये टू क्लस टू मैट्रिक्स है तो आप वही प्रोसेस से कर सकते हैं क्या था A माइनस लैमडाई निकाल लीजिए उसको डिटर्मिनेट करिए एम माइनस लैमडाई को फिर उसको जीरो के इक्वल करके आ, वहां से एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लीजिए ठीक है तो फिर आपको मिल जाएगा लैम लेकिन हमारे पास वो भी टाइम नहीं है एक एंट्रेंस एग्जाम में हमारे पास वो भी टाइम नहीं हमको क्या करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी आंसर को ढूंढना पड़ेगा तो आप देख सकते हैं आपके आंखों के सामने ही आंसर दिया गया है तो आप देख सकते हैं इसमें जो आप इजी तरीके से क्या निकाल सकते हैं इसका ट्रेस निकाल लीजिए तो अगर ट्रेस आप एम निकाल लेते हैं वो क्या है जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो तो अब ऑप्शन चेक कीजिए पहला तो है जीरो तो इसमें भी जीरो जीरो प्लस करेंगे तो जीरो आ सकता है जीरो वन को प्लस करेंगे तो नहीं देन वन माइनस वन करेंगे तो हाँ यहां से आ सकता है और पहले वाला से आ सकता है नेक्स्ट जो है वन वन तो यहां से नहीं आ सकते, तो आपको मिल गया दो ऑप्शन नेक्स्ट डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं हम तो डिटर्मिनेंट एम अगर चेक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा जीरो माइनस वन इक्वल टू माइनस वन तो डिटर्मिनेंट ऑफ एम इक्वल टू माइनस वन जो है लेमडा वन इंटू लेमडा टू इक्वल टू माइनस वन पहला वाला क्या था लैमडा वन प्लस टू इक्वल टू जीरो हमने चेक करके हमके पास दो ऑप्शन आया ए एंड सी तो हम नेक्स्ट चेक कर लेते हैं कि दोनों मैट्रिक्स को अगर मल्टीपल करेंगे तो माइनस वन इसमें आता है तो uh, तो आप देखिए जो पहला वाला मैट्रिक्स है जीरो जीरो तो इसको अगर मल्टीपल करेंगे तो इसमें क्या आएगा जीरो तो नहीं है ये हो गया है, अगर वन माइनस वन को अगर आप मल्टीपल करेंगे तो हाँ यहाँ पर फिर से सही आंसर दे रहा है तो आंसर हो गया हमारा सी सीमडस है हमारा वन एंड माइनस वन तो देखिए कैसे आसान तरीकों से हमने यहाँ पर आपको समझाया तो इसीलिए थोड़ा टाइम गया लेकिन आप समझ सकते हैं कि आप पेन पेपर यूज ना कर, कर भी आप आंसर निकाल सकते हैं अपने दिमाग में तो इससे आपका टाइम भी बहुत बच जाए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो देखिए ये जो एक मैट्रिक्स दिया गया है ऑफ़ द मैट्रिक्स इज़ ऑर्थ फिर से देखिए एक मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है या नहीं ये आपको पूछा गया है तो ऑर्थोगोनल के लिए कुछ रूल्स था वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्या क्या था ऑर्थोगोनल होने के लिए और ऑर्थोगोनल पहला जो रूल्स था वो क्या था हमारा ए डॉट ए ट्रांसफोर्स होना चाहिए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड दूसरा जो रूल था वो क्या है डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल टू वन होना चाहिए तो आप हम पहले जो मैट्रिक्स हैं उसको चेक कर लेते हैं तो अब देखिए पहला जो प्रोसेस है ए डॉट ए ट्रांसफोर इसमें क्या करना पड़ेगा आपको ट्रांसफोर निकालिए फिर मल्टीप्लीकेशन तो करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन में टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ए ट्रांसफोर्ज और उसके मल्टीप्लीसन से ईजी है तो हम ऑप्शन चेक करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ ए ठीक है पता चल गया कि कौन सा रूल पहले फॉलो करना है डिटर्मिनेशन ए को फॉलो करेंगे तो पहला जो ऑप्शन है ऑप्शन ए में जो मैट्रिक्स है कॉश थीटा साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा तो अब इस मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेशन हम निकाल लेते हैं मैट्रिक्स है इसका क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो वन नहीं होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन होता है तो आपको पता चल गया कि पहला ऑप्शन तो रॉन्ग है ठीक है अब तो आगे बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पे वो तो है हमारा कॉस्ट थीटा कॉस्ट थीटा माइनस आइन थीटाइन थीटाइट एंड तो इसका भी हम डिटर्मिनेशन निकाल लेते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स थीटा का तो कॉस्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटर हमारा क्या होता है वन होता है जो हमारा दूसरा वाला जो रिलेशन है वो उसको सेटिस्फाइड कर नहीं? तो अब हम इस जो ऑप्शन है इसमें आगे बढ़ेंगे और पहला रूल को चेक कर लेंगे कि हाँ ये ऑर्थोगोनल है या नहीं तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा हमें ट्रांसफॉर्म निकालना ट्रांसफोर्स क्या होता है रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज ठीक है तो पहला रो था क्या थीटा माइनस साइन थीटा उसको हम कॉलम में लिख लेते हैं थीटा माइनस साइन थीटा नेक्स्ट है साइन थीटा थीटा तो हम नेक्स्ट कॉलम में लिख लेते हैं थीटा तो इन दोनों को हम मार ठीक है तो देखिए थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा थीटा, मल्टीपल बाई, थीटास्ट थीटा साइन साइन थीटा, थीटा, थीटा। अगर मल्टीपल कर लेंगे तो क्या मिलेगा आपको ऑस स्क्वाटा प्लस स्क्वायर थीटा नेक्स्ट कॉस कॉस थीटा 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 साइन माइनस तो कि पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीपल किया गया है इस और पहले रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीपल करा तो हमें ये नेक्स्ट हमें क्या मिलता है साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो देखिए आपको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कुछ का मैट्रिक्स तो so, अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है वन होता है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस्ट थीटा हमारा क्या होगा जीरो होगा नेक्स्ट साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा क्या होगा जीरो होगा एंड साइंसक्वायर थीटा प्लस कॉस्क्वायर थीटा हमारा क्या निकलेगा वन तो so, ये क्या हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंट हो गया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों रूल को फॉलो कर रहा है ऑप्शन तो so, दोनों ऑप्शन को फॉलो कर रहा है ऑप्शन बी तो ये ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन तो ऐसे ही क्वेश्चन को आप अगर करना चाहते हैं बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर सपोर्ट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो नेक्स्ट क्वेश्चन द आईगेन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल टू वन जीरो एंड वन आई ठीक है आईगेन वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा ये भी हम तरीके से, से निकालेंगे तो मैट्रिक्स को तो हमारा है वन जीरो एंड वन आई ठीक है तो अब फेस ऑफ एम क्या होगा ऑफ़ म होगा हमारा वन प्लस आई एंड डिटर्मिनेंट ऑफ एम क्या होगा वन इंटू आई माइनस जीरो इंटू वन जो हो जाएगा आई तो अब हमें यह चेक करना होगा कि लैमडा वन प्लस लैमडा टू होगा हमारा वन प्लस आई एंड लैमडा वन टू लैमडा टू का आई तो ये ऑप्शन कौन सा वाला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन बी अगर लैमडा वन हमारा हो जाएगा वन एंड लैमडा टू अगर हो जाएगा हमारा आई तो so, आप देखिए लैमडा वन प्लस लैमडा टू वन प्लस आई हो रहा है और लैमडा वन इंटू लैमडा टू हमारा क्या हो रहा है आई हो रहा है तो so, आंसर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर फ्विच ऑफ दैल्यूज ऑफ ए दर्स द मैट्रिक्स नॉट ए तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप देखिए इसमें पूछा गया है कि ए की कौन सी वैल्यू के लिए एम इन्वर्स ही नहीं एग्जिस्ट करेगा ठीक है तो देखिए आपके दिमाग में पहले एम इन्वर्स निकालने को आएगा लेकिन एम इनवर्स कैसे निकाल एट जो बाई मॉड ए तो वो डिफिकल्ट देन आप आइगन वैल्यू से भी निकाल नहीं सकते ए आ जाएगा तो आपको इक्वेशन सॉल्यूशन तो आप नहीं कर सकते और फिर भी आपको पूछा गया है एक तो आप इस तरह से कर तो आप देखिए आप एम इन कैसे निकाल सकते हैं तो हो गया हमारा कैले है थी और जहाँ से हम ए माइनस लैम आई करके निकाल लेते हैं लेकिन यहाँ पर ए है तो हम इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं एड ज्वाइंट ऑफ बाय बाई एम कह सकते हैं या डिटर्मिनेट एम तो अगर मान लीजिए कि एम या फिर डिटर्मिनेंट एम हमारा जीरो हो जाए तो एम इनवर्स क्या हो जाएगा एड ऑफ एम डिवाइडेड बाई जीरो जो हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट मतलब जो एग्जिस्ट सॉरी जो तो yeah. so, अगर जीरो हो जाएगा तो ये मैट्रिक्स मतलब एम इन हो जाएगा नॉट एग्जिस्ट तो अब मॉट uh, एम कैसे हम इक्वल टू जीरो कर सकते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ एम हमको जीरो करना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ एम क्या है मैट्रिक्स पहले लिख लेते हैं एम जो है वो है जीरो वन पस वन वन थ्री फाइव जीरो फोर ठीक है तो अब डिटरमिनेंट एम हम निकाल लेते हैं कि जो है जीरो टू थ्री ए माइनस ट्वेंटी माइनस वन ए माइनस जीरो माइनस वन इंटू फोर माइनस थ्री ठीक है यही होगा तो आ, चेक कर लेते थ्री ए माइनस ट्वेंटी हाँ माइनस वन एरो हाँ माइनस वन और हमारा फोर माइनस जीरो हाँ तो यहाँ से हमें क्या निकल के मिल रहा है माइनस ए माइनस फोर तो हमें आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा डिटर्मिनेशन ऑफ ए एम को जीरो करना होगा मतलब माइनस ए माइनस फोर इक्वल टू जीरो तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है ए प्लस फोर इक्वल टू जीरो मतलब ए इक्वल टू माइनस फोर ठीक है तो अगर मान लीजिए ए इक्वल टू माइनस फोर हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर अगर माइनस फोर आ जाता तो ये प्लस फोर हो जाता तो प्लस फोर माइनस फोर हमारा आंसर हो जाता जी तो ऐसे ही एम इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता तो आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन जो तो है minus. तो ऑप्शन है ऑप्शन ए फोर जो है हमारा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ठीक है तो ये जो मैट्रिक्स दिया गया है तो इसमें क्वेश्चन करा गया कि ये जो मैट्रिक्स है इसका आइगन वैल्यूज़ प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स रियल और जीरो है ठीक है तो ये जानने के लिए हमें वही ए माइनस लैमडा आई प्रोसेस ही फॉलो करना पड़ेगा ठीक है तो मैट्रिक्स हमारा क्या है जीरो जीरो माइनस आई जीरो टू जीरो आई ठीक है तो अब इसमें हमें करना क्या है ए माइनस लैमडा आई निकाल लेते हैं ठीक है तो ए माइनस लैमडा आई क्या होगा हमारा माइनस लैमडा जीरो माइनस आई देन जीरो टू माइनस लैमडा जीरो आई जीरो माइनस लैमडा ठीक है तो अब इसका हम डिटर्मिनेशन निकाल लेते हैं ए माइनस लैमडा आई तो हमारा हो जाएगा माइनस लैमडा मल्टीपल बाय टू माइनस लैमडा माइनस लैमडा माइनस टू माइनस टू इन आई मल्टीपल बाय माइनस आई इनटू माइनस ठीक है यही होगा तो यहां से हम इक्वेशन निकाल लेते हैं माइनस लैमडा माइनस टू लैमडा प्लस लैमडा स्क्वायर माइनस आई माइनस वाई प्लस ठीक है ये हो गया हमारा कैरेक्टी इक्वेशन इसको और भी हम इजी बना लेते हैं जो हो जाएगा टू लैमडा स्क्वेयर माइनस लैमडा क्यूब प्लस टू आई स्क्वायर माइनस लैमडा आई स्क्वायर ठीक है अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा इसको हमको जीरो के इक्वल करना पड़ेगा जीरो के इक्वल कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा टू लैमडा स्क्वायर माइनस लैमडा क्यू प्लस टू आई स्क्वायर माइनस लैमडा स्क्वायर इक्वल टू जीरो अब आई स्क्वायर हमें क्या पता है आई स्क्वायर होता है हमारा माइनस वन ठीक है तो टू लैमडा स्क्वायर माइनस लैमडा क्यूब माइनस टू प्लस लैमडा इक्वल टू जी देन साइन चेंज कर लेते हैं तो करने के लिए इजी होगा लैमडा क्यूब माइनस टू लैमडा स्क्वायर माइनस लैमडा प्लस टू इक्वल टू जी तो यहाँ से हम करेंगे क्या लैमडा स्क्वायर को अगर कॉमन ले ले मतलब जीरो पुटिंग प्रोसेस यूज कर ले तो हमें क्या मिलेगा लैमडा माइनस टू माइनस वन को लैमडा माइनस टू जीरो मिल रहा है एक तो लैमडा स्क्वायर माइनस वन लैमडा माइनस इक्वल टू तो यहाँ से लैमडा पहला वाला क्या हो गया प्लस माइनस वन एंड दूसरा लैमडा इक्वल टू टू तो हमारा जो लैमडा है लैमडा वन हो गया प्लस वन लैमडा टू हो गया माइनस वन एंड हमारा थ्री हो गया हमारा टू तो आप देख सकते हैं प्लस वन भी एक रियल नंबर है माइनस वन भी एक रियल नंबर है एंड टू एक रियल नंबर ही तो आंसर हो जाएगा हमारा तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑल आइगेन वैल्यूज आर रियल ठीक है तो ऐसे ही हमारा आज का रिकॉर्डेड सेशन खत्म होता है बहुत सारे क्वेश्चन के साथ आ, ध्यान नहीं है कितने क्वेश्चन है तो आज ये सेशन में हम कम से कम ट्वेंटी क्वेश्चन तो सॉल्व कर चुके हैं तो ऐसे ही बहुत सारे क्रैश कोर्स सेशन भी आएंगे लेकिन वो इस कोर्स के बाद और अगर आप ये कोर्स शुरू होने से पहले खुद से असाइनमेंट कंप्लीट करना चाहते हैं ऐसे ही कुछ क्वेश्चन को अगर आप खुद से सल्यूशन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे वहाँ पर ऐसा असाइनमेंट बहुत सारे आपको मिल जाएगा और अगर किसी भी आंसर क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं मिल रहा या कोई भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो आप बेझिझक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे उस क्वेश्चन की फोटो देकर अपना क्वेरी भी पूछ सकते हैं और हम जल्दी से जल्दी ट्राई करेंगे आपके क्वेरी को आंसर देने तो इसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा हमारा टेलीग्राम लिंक तो आज के जो सेशन है वो यहीं पर एंड होता है फिर मिलते हैं हम एक नए सेशन में जहाँ हम मैथ फिजिक्स के एक दूसरे चैप्टर के बारे में बेसिक से एडवांस तक आगे बढ़ेंगे थैंक यू